आजाद भारत के 75वें साल पर मेरे प्यारे देशवासियों सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फाइनल एक्सप्लेनर पर। इंडिया, भारत या हिंदुस्तान, ये एक ऐसा शब्द है जो लोगों के इमोशन के साथ जुड़ा हुआ है। आज़ादी के इतने वर्षों के बाद अगर आज हम सब जो फ्रीडम देख रहे हैं उसके पीछे न जाने कितने वीरों और वीरांगनाओं की कहानी छुपी है। लेकिन लोगों से अगर पूछा जाए हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स के बारे में तो हर किसी के लफ्जों पर महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल जैसे महान वीरों के नाम आते हैं। लेकिन हाल ही में एक आदिवासी महिला भारत के सर्वोच्च राजकीय पद पर पहुंची है जिनका नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। किसी आदिवासी महिला के इस सर्वोच्च पद पर पहुंचना इस बात का संकेत है कि कोई भी साधारण सी महिला भी भारत की प्रथम नागरिक बन सकती है। यह स्वतंत्रता के बाद पहला मौका है जब हम किसी महिला को देश के सर्वोच्च पद पर आसीन देख रहे हैं। महिलाएं हमेशा ही अपने सम्मान व देश के गौरव के लिए संघर्षरत रही है। इतिहास में यह संघर्ष भारत में आज़ादी दिलाने व महिला अधिकारों की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आज हम बात करेंगे ऐसी अनसंग वुमन वॉरियर्स, कुछ अनसुनी महिलाएं जिन्होंने देश की आज़ादी में हर कदम बराबर रखा। हमारे देश में अगर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारियों जैसी अगर किसी महिला का नाम याद किया जाए तो इतिहास के पन्नों में एक नाम बहुत जोर से घूसता है और वो है रानी लक्ष्मीबाई। इस देश की पहली महिला क्रांतिकारी जो इस धरती के लिए न्योछावर हो गई। एक ऐसी क्रांतिकारी महिला जिसने अपने बच्चे को पीठ पर बांध कर अपनी धारदार तलवार से अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। उनका जीवन हर नारी के लिए एक मिसाल है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे ऐसी सशक्त क्रांतिकारी वीरांगनाओं के बारे में जिन्हें देश की आज़ादी के लिए एक नहीं बल्कि दो मोर्चों पर लड़ना पड़ा। एक समाज की उन बेड़ियों से जिनसे इन पर महिला होने के कारण कई प्रतिबंध थे, दूसरा आज़ादी के लिए। ऐसी ही एक महिला उत्तर प्रदेश में जन्मी जिनका नाम था उदा देवी, जिन्होंने अपने पति का प्रतिशोध लेने के लिए अकेले ही अंग्रेजी सेना पर धावा बोल दिया। नवंबर 1857 में सिकंदर बाग में अपनी बंदूक से न जाने कितने अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और खुद भी वीरगति को प्राप्त हो गई। देश प्रेम में इन महिलाओं का हौसला इतना बुलंद था जो कभी नहीं डगमगाया। इसी चीज को देखा जा सकता है लक्ष्मण कौर में। 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग में अंग्रेज सेना ने गोलियां चलाई तब उनका सामना करने वाला एक सेना लक्ष्मण कौर का भी था। लक्ष्मण कौर की तरह और भी कई महिलाएं उस दिन जलियांवाला बाग में शहीद हो गई। ऐसी ही एक आग थी एक लड़की में जिसका नाम था कनकलता बरुआ, जो भारतीय वीरांगनाओं की लंबी कतार में जा मिली। 20 सितंबर 1942 को तेजपुर के पुलिस स्टेशन पर तिरंगा फहराने का निर्णय लिया गया। उस समय तक कनकलता विवाह योग्य हो चुकी थी। उनके माता पिता उनकी शादी कराने को उत्सुक थे लेकिन कनकलता अपनी शादी से ज्यादा आज़ादी को इम्पोर्टेंट मान चुकी थी। कनकलता सुसाइड स्क्वाड मतलब आत्म बलिदानी दल का हिस्सा थी। वह अपना घर का काम करके उस दिन अपने दल के साथ तिरंगा फहराने निकल पड़ी। दोनों हाथों में तिरंगा लिए कनकलता उस दिन जुलूस का नेतृत्व कर रही थी। जैसे ही वो दल पुलिस स्टेशन के पास पहुंचा तो उनमें थाने पर झंडा फहराने की होड़ सी मच गई। हर किसी को थाने पर सबसे पहले तिरंगा फहराना था। तभी वहां थाना इंचार्ज पीएम सोम उस जुलूस को रोकने के लिए सामने आ खड़े हुए। उस दल में से कनकलता ने थाना इंचार्ज से कहा, हमारा रास्ता मत रोकिए, हम तो सिर्फ तिरंगा फहराकर आज़ादी की ज्योति जलाने आए हैं, तिरंगा फहराकर हम चले जाएंगे। थाना इंचार्ज कनकलता को धमकाते हुए उनसे कहा कि अगर तुम एक इंच भी आगे आए तो गोलियों से भून दिए जाओगे। तभी कनकलता ने कहा कि तुम्हारी गोलियां हमारी आज़ादी की ज्योति को बुझा नहीं सकती, तुम चाहे कितनी भी गोलियां चलाओ हम हमारे कर्तव्य से नहीं हटेंगे। और कनकलता आगे बढ़ गई। तभी पुलिस वालों ने पूरे दल पर फायर कर दिया और पहली गोली कनकलता के सीने में जा लगी और वो वहीं शहीद हो गई। कनकलता ने तिरंगे को उठाए रखा। यह बलिदान और साहस देख बाकी दल का जोश बढ़ गया और वहां कई लोग मारे गए और इसी दल के एक व्यक्ति रामपति राजखोवा ने थाने पर तिरंगा फहराया। आपको जानकर हैरानी होगी कि कनकलता स्वतंत्रता संग्राम में सबसे छोटी थी। उनकी उम्र महज 16 वर्ष थी जब वो शहीद हो गई और इतनी सी उम्र में जहां आज का युवा अनमेच्योर कहलाता है उस उम्र में उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान का बलिदान दे दिया। आज़ादी की इस लड़ाई में एक नहीं दो नहीं बल्कि हजारों की तादाद में वीरांगनाओं ने स्वतंत्रता की लौ को जलाए रखा। उन्हीं में से एक थी रानी दुर्गावती जो तलवारबाजी, घुड़सवारी और तीरंदाजी में उनको महारत हासिल थी। गौड़ वंश के राजा के सबसे बड़े पुत्र दलपत शाह से विवाह के कुछ समय बाद उनका निधन हो गया और उन्हें एक रीजेंट और गोडवाना राज्य का शासक नामित कर दिया गया। उनके राज्य को मुगलों द्वारा पहले ही मालवा के सुल्तान बाज बहादुर और फिर मुगल सेनापति आसफ खान द्वारा कई हमलों के प्रकोप का सामना करना पड़ा था। रानी दुर्गावती ने न केवल पहले हमले को खदेड़ दिया बल्कि उसने बहादुर की सेना को भी भारी नुकसान पहुंचाया।
दूसरी लड़ाई के दौरान रानी ने स्वयं सैनिकों का नेतृत्व किया और मुगलों को अपने राज्य से खदेड़ दिया और विजयी हुई। मुगलों को पीछे हटने के लिए मजबूर करने के 3 असफल प्रयासों के बाद रानी को 2 तीरों से मार दी गई और दुश्मन द्वारा कब्जा किए जाने के बजाय उन्होंने अपनी जान लेने का फैसला किया। उनके गढ़ा मंडला राज्य को मुगलों प्रभुत्व में शामिल कर लिया गया था, लेकिन रानी की बहादुरी और बलिदान को स्थानीय लोग आज भी याद करते हैं और उनकी शहादत के दिन को आज भी बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसी कई महिलाएं जैसे सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, कमला देवी, भिखाजी कामा, अरुणा असफ अली, कमला नेहरू, सुचेता कृपलानी जैसी कई विदुषी महिलाओं ने देश की स्वतंत्रता में हिस्सा लिया और आजादी की ज्योत को जलाए रखा। आज कई वीरों और वीरांगनाओं के बलिदान के बदले हमें ये आजादी मिली है और इन्हीं की बदौलत आज हम सब अपने हक की आवाज उठा पाते हैं। जहां महिलाओं को हमेशा से पीछे रखा जाता था, वहीं आज आजाद भारत में हमें गर्व है ऐसे महान देश पर जहाँ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से सबसे निचले पायदान पर खड़ी एक महिला देश के सर्वोच्च पद पर पहुंची है। मुझे गर्व है ऐसे देश के नागरिक होने पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल फाइनल एक्सप्लेनर के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।